हेलो एंड वेलकम टू द रॉयल रेसिपीज। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लाई हूँ जो कि प्रिपेयर होती हैं रॉयल किचन्स में। तो चलिए देखते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी एंड द नेम ऑफ द रेसिपी इज टमाटर वाले आलू। ये रेसिपी पंजाब रॉयल्टी की है और ये वहाँ पर काफ़ी बनाई जाती है। द ब्यूटी ऑफ दिस डिश इज दैट इट्स रियली रियली सिंपल एंड इट इज सुपर्ब टू टेस्ट। तो चलिए बनाते हैं टमाटर वाले आलू। सबसे पहले मैं घी को गरम करूंगी और इसमें काफ़ी घी डलता है। नेचुरली पंजाबी डिश है और रॉयल्टी की है तो घी पे तो जोर होगा ही। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले जैसे कि काली मिर्च, जीरा, सिनेमन एंड अ लिटिल बिट ऑफ इलायची। इसको हम क्रैकल होने देंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर अदरक को कद्दूकस कर रही हूँ। क्विक मिक्स और इसके साथ ही जब अदरक हल्का सा सॉटे हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे ये प्यूरी, फ्रेशली प्यूरीड टमेटोज। अब हम इसको पकाएंगे और साथ ही में इसके अंदर मैं सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर। अब इस टमाटर की प्यूरी को हम पकने देंगे जब तक कि जो घी है वो किनारों तक नज़र नहीं आने लग जाता। अब आप देख सकते हैं जो घी है वो ऊपर नज़र आने लग गया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये उबले हुए आलू। गिव इट अ क्विक मिक्स और अब हम इसको फिर से पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। और आलू हमारे टमाटर वाले तैयार हो गए हैं। देखिए जो घी है वो ऊपर नज़र आने लग गया है। पकने के बाद टमाटर ने घी छोड़ दिया है। इट्स लुकिंग अमेजिंग। अब इसमें मैं डालूंगी हल्का सा गरम मसाला, एक क्विक मिक्स और अब मैं इसे प्लेट करूंगी। एक बोल के अंदर आप चाहें तो इसको बेबी पोटैटोज के साथ भी बना सकते हैं। द रेसिपी इज आउटस्टैंडिंग। जो घी की खुशबू आ रही है इसमें इट्स अनबिलीवेबल, स्मेलिंग सो डिलिशियस। तो ये लीजिए हमारे टमाटर वाले आलू पंजाब के राजघराने से सीधा आपकी रसोई में। सी यू ऑल सुपर सून विद माई न्यू शो द रॉयल रेसिपीज ओनली ऑन शिप्रास किचन।